मैं पूछती हूँ कि आप लोग थानेदार है कि रंगदार? तो कहता है लोग कि थानेदार तो रंगदार होता ही। हम लोग किस लिए भाई, किस लिए? रंगदारी करना है तो किसी गरीब को इंसाफ देने में कराइए। पैसों वालों का दलाली करके रंगदारी मत कीजिए। थाना पीड़ितों लाचारों बेवसों के लिए है, ना कि पैसों वालों के लिए। मोतिहारी में है, उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर धरना चल रहा है। और आपने विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा कि कैसे एक आर्मी के जवान को यहाँ के पुलिस के द्वारा घसीट कर मारा जाता है और उसे हिरासत में कर लिया जाता है। हालांकि अभी भी उनको जेल के अंदर रखा गया है, लेकिन जो दोषी पुलिसकर्मी है, भले ही उनको निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन वो अभी भी जमानती पर बाहर घूम रहे हैं। और जो पुलिस, जो यहाँ के आर्मी के जवान हैं, उनको जेल के अंदर रखा गया है और अभी तक रिहाई नहीं की गई। आज चौथे दिन है और धरना आज भी जारी है। यहाँ पर सभी पत्रकार और सभी स्थानीय जो वीर जवान हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं लगभग आप पहुँचने लगे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार भाई भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और मिलने की कोशिश करेंगे। चरस पकड़े जाते हैं रक्सौल टाउन में, जो स्मैक अगर तमाम गलत तरीके के चीज़ें पाए जाते हैं, वो बोडरवा क्रॉस कैसे कहा जाता है भाई? कैसे होता है? उनको कहे नहीं पकड़ पाती है। आर्मी के जवान से छोटा सा गलती हो जाता है। अपराधी अपराधी भैया, हम अपराधी पर कहाँ जा रहे हैं? अपराधी पर कहाँ जा रहे हैं? कोई गलती कोई कर भाई, अपराधी पर अभी हम कहाँ गए? बिल्कुल अभी हम कहाँ है? उधर दंबे नहीं सुनबे नहीं किया, गलती हो गया। आया कैसे? उसको पास कराया कौन? बॉर्डर पास कराया कौन? बॉर्डर पास कराइए दे रहे हैं, वो पकड़ाइए नहीं रहा है। सीना चौड़ा कर रहे आर्मी के जवान पर, पहले इसको सुधारिए। और सेना के जवान पर सीना चौड़ा मत करिए, हिम्मत है तो माफियाओं पर सीना चौड़ा करिए। दारू माफिया, बालू माफिया, स्मैक माफिया है ना, जाइए पांजरा सब के दिखा दीजिए, सारा उपाय लगा देगा। ये लोग जाएगा कमजोर के पास। रात में रक्सौल प्रशासन के चंद दलालों के द्वारा, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, इतनी बड़ी बात हो गई है हमारे रक्सौल, जहां मैं नेतृत्व कर दिया दो देशों का, मेरा शहर बॉर्डर है, इंटरनेशनल शहर है। आप सभी चैनल वासियों, चैनल वालों से मैं, सारे मीडियागण से मैं एक विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगी कि बेशक किसी दिन रात में आप आइए और देखिए कि एक ट्रक से, एक गाड़ी वाले से थाना के चंद दलालों के द्वारा कैसे पैसा वसूली की जाती है। इत्तफाक से मैं किसी के मदद में रात को निकली या रोटी खिला के आ रही हूँ या कहीं से आ रही हूँ, तो मैं मुझे देखते ही लोग भागना शुरू करते हैं। और रक्सौल इतनी छोटी शहर, इंटरनेशनल जगह, जहाँ इतनी बड़ी जाम के समस्या, आपको इसलिए लोग देख के भागते हैं कि आप भी इस पुलिस प्रशासन के जैसे दलाली नहीं करती हैं, आप आवाज उठाती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो कितना इतिहास है कि बिना जूता का दौड़ा ही ऊपर भारी लोगों को कि आप लोग आइए देखिए यहाँ दलाली हो रही है या इस तरह से पैसा वसूली हो रही है। और वो फीवर में मुझे खबर मिला है, किसी अपने की गाड़ी पकड़ी या गए हैं तो कई एक गाड़ी को देखे हैं। और बड़ा बाबू आ कैसे लोग माफी मांगा, आधा जूता में लोग दौड़ा है मेरे फोन पे, मेरा वो कहना नहीं है। आज के पहले मैं उस रक्सौल थाना के थानेदार और रंगदार लोग से पूछना चाहती हूँ, जिनसे मेरी बातें होती है। मैं पूछती हूँ कि आप लोग थानेदार है कि रंगदार? तो कहता है लोग कि थानेदार तो रंगदार होता ही। हम लोग किस लिए भाई, किस लिए? रंगदारी करना है तो किसी गरीब को इंसाफ देने में कराइए। पैसों वालों का दलाली करके रंगदारी मत कीजिए। थाना पीड़ितों लाचारों बेवसों के लिए है, ना कि पैसों वालों के लिए, क्योंकि पैसों को वालों को कोई नहीं सताता। तो मैं उस थाने के जितने थाना के वरीय पदाधिकारी उन सभी से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उस थाने के गेट पे एक एक दिन में ओवरलोड ट्रक से कई एक हत्याएं हुई, जिसका एक केस मैं अभी झेल रही हूँ उस आंदोलन का, 29 घंटा रोड जाम की शांति व्यवस्था में, फिर भी प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया। ये ICP जब दो देश का प्रधानमंत्री चालू कर दिए थे, तो अभी मेन रोड से गाड़ी घुसा के दो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, दोनों साइकिल से सो गए, एक बच्चे माँ को दूध पिला रही है और उसका ये सब कट गया, नीचे का बच गया, बेटा भी गया, माँ भी गई, पति बच गए। ऐसी कितनी अंजाम रक्सौल थाना के गेट पे इन चार चक्का, 16 चक्का, 10 चक्का की गाड़ियों से हुआ। कहाँ थी आपकी कानून व्यवस्था? कल उसी लक्ष्मीपुर में किसी एक महिला को किसी ठकुराई के द्वारा पीट कर उसका बच्चा नुकसान करवा दिया गया,
कहाँ है रक्सौल प्रशासन? मैं पूछती हूँ, कल की बात है, अभी मैं 10 मिनट बात की हूँ थाना प्रभारी से, कहाँ है आपकी व्यवस्था, कहाँ है वो ताजगी जो एक देश के जवान को, जो है स्वाभिमान के साथ, आप देश के जवान के साथ नहीं, आप देश के आन बान स्वाभिमान के साथ खेले हैं। आपको जितेंद्र कोई क्षम कर देगा, देश की जनता नहीं माफ करेगी और ऊपर वाले माफ नहीं करेंगे। मैं पूछती हूँ इंस्पेक्टर से कि कल जो लड़की की पेट में बच्चा जो अभी रेफर आ रही है, आप लोग को लेके चल रहे हैं सदर हॉस्पिटल, वो रेफर आ रही है और वो वही जगह पर जहाँ आर्मी मैन को अंजाम दिया गया है, उसी जगह पर एक महिला को पीट पीट के, जो ठकुराई लोग आर्मी मैन को मारे, वही लोगों के द्वारा उस महिला को पीट पीट के उसके बच्चा को नुकसान करा दिया गया। कहाँ है कानून की व्यवस्था? मैं अपने जिला कप्तान से पूछना चाह रही हूँ, कहाँ है आपकी कानून, कहाँ है इंडिया का प्रोटोकॉल, कितना प्रोटोकॉल को आप लोग फॉलो करते हैं? अरे आप लोग हिजड़े के तरह काम किए हैं। अरे जितेंद्र, 353 दफा हिजड़ों के लिए है, अपने बचाव करने के लिए है, और 353 नहीं, चाहे कोई इंडिया का सबसे बड़ा दफा लगा लो, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे।